एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक किया है अगेन एक ह्यूज कलेक्शन जिसमें आपको बहुत सारी साड़ियाँ, लहंगे, वेस्टर्न वेयर सब कुछ मिक्स में देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सारा जो कलेक्शन है बिल्कुल न्यू कलेक्शन है, जो है इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप। अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोडिंग लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर फ्लैट 30% एंड 100 रेट का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करते हो। एंड जितने भी आउटफिट्स हैं सभी हैं रीसेल में, एंड सभी की जो रीसेल प्राइस है मीशो प्राइस है मैं साथ के साथ मेंशन करती जाऊंगी, तो आप ध्यान रखना। और अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज करना है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे परचेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे मैं क्लिप दे दूंगी, वहाँ पे जाइए मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे कनेक्ट रहिए क्योंकि वहाँ से ही आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। एंड जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आउटफिट से जो मैंने आज पहना हुआ है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जरी एंड सिक्वेंस वर्क ऑरेगंजा सिल्क साड़ी। एंड जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है उन्हें पता है कल वाली वीडियो में मैंने इसे शेयर किया था, तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है उसको जाके चेकआउट कर लो, थंबनेल मैं यहाँ पे दे दूंगी उस वीडियो का। बहुत ही अमेजिंग साड़ी है एंड बहुत सारी रेडी टू वेयर साड़ियाँ भी उसमें मैंने शेयर की है, तो देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। एंड ब्लाउज है अमेजोन से, अगर ब्लाउज लेना चाहते हैं उनको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस ब्लाउज को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑरेंजा सिल्क साड़ी। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ समर्स के लिए कुछ ऐसी साड़ियाँ लाने का जो कि लाइट वेट हो एंड समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट हो। एंड हाँ, अभी आ रही है तीज एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं तीज के लिए साड़ियाँ एंड ड्रेसेस कुर्तियाँ शेयर करने को। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ कुर्तियाँ ऑर्डर की हुई हैं जो स्पेशली है तीज के लिए एंड कलरफुल है, पूरी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज आगे आपको बहुत ही अमेजिंग वाला कलेक्शन और देखने को मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली साड़ी से। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक एलिगेंट सी साड़ी है। पहले आप कलर देखो इसका कितना ज़्यादा प्रिटी है। एंड जब मैंने इसे मीशो पे देखा, देखते ही मुझे बहुत प्रिटी लगी यार, बहुत सुंदर है ये वाली साड़ी। एंड ऐसी है कि कभी भी इसका फैशन आउट नहीं होगा, प्लस आप इसे कैजुअल से कैजुअल में और किसी भी पार्टी फंक्शन ओकेजन, अगर आपके घर में मैरिज है तो उसमें भी स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि साड़ी बहुत सुंदर है, एलिगेंट है एंड रिच लुक है इस साड़ी का। तो कुछ इस तरीके की आपको ये ऑरेंजा सिल्क फैब्रिक में साड़ी देखने को मिलेगी। कलर है जो इस साड़ी का है बिल्कुल लाइट पर्पल कलर, एंड जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है एंड बहुत स्मार्ट लगता है पहनने के बाद। एंड फुल एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना फुल एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है, एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी कितनी प्यारी है। और ये बिल्कुल आपको बिल्कुल बारीक वाले थिन वाले थ्रेड से ये वाला काम देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही नीटली इन्होंने किया हुआ है। लुक आप साइड में देखना, बहुत ज़्यादा प्रीटी आएगा, प्लस आप इसे किसी भी क्रॉप टॉप वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगी। और ये कलर है ना अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। एंड नीचे की साइड भी आपको सेम ऐसा कि ऐसा बॉर्डर देखने को मिल जाएगा एंड आंचल में चारों तरफ। तो पूरी 5.5 मीटर की आपको ये वाली ऑरेंजा सिल्क की साड़ी मिलने वाली है। बस इतना सा जो पार्ट है इन्होंने प्लेन दिया है, जब आप ड्रैप करते हो वो अंदर की साइड आएगा। कलर बहुत सुंदर है, मे बी इसमें कलर ऑप्शन 3 और 4 मीशो पे अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना जो भी आपको लेना हो, पर मुझे ये वाला कलर बेस्ट लग रहा था। एंड इसकी है मीशो प्राइस एंड रीसेलिंग प्राइस मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे जल्दी कॉन्टैक्ट करना, बिकॉज होता क्या है इन 5 और 10 मिनट वो सोल्ड आउट हो जाता है क्योंकि बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं और वन प्रोडक्ट होते हैं जो ऑनली मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें जो ब्लाउज आया है वो कुछ इस तरीके का गोल्डन ब्लाउज दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस साड़ी के साथ इस ब्लाउज को क्यों दिया है इन्होंने, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब आप स्टिच कराओगे। तो वैसे अगर आप कराना चाहो वो आपकी चॉइस है। तो इसमें 90 सेंटीमीटर का आपको टफेटा सिल्क का ब्लाउज इसमें दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे व्हाइट के साथ पेयर अप करोगे या आपके पास ऑलरेडी व्हाइट ब्लाउज हो या क्रॉप टॉप हो या फिर मैं जिसके साथ पेयर अप कर रही हूँ आप उसके साथ भी कर सकते हो, मैं लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उससे लुक काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा साड़ी का, प्लस बैग के साथ स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही एलिगेंट लुक आएगा। तो ये है जो फर्स्ट साड़ी मैंने पिक की है। एंड ये जो चोकर मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जाके चेकअप कर लो, काफ़ी अमेजिंग ज्वेलरी मैंने वहाँ पे शेयर की थी, उस वीडियो का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ये वाला लहंगा, एंड बहुत ही सुंदर सा है। सेम कलर में मैंने पिक किया है, पर्पल कलर में, एंड इसका कोड मुझे बहुत दिन से इंस्टाग्राम पे भी आ रहा था और कमेंट बॉक्स में भी आ रहा था, तो मैंने सोचा पिक करके देखते हैं कैसा निकलता है। एंड इस तरीके के जिप कवर में मिला है, पूरा वर्क है जो जॉर्जेट फैब्रिक पे किया हुआ है, एंड पूरा लहंगा आपको सेम ही स्टिच लहंगा देखने को मिलेगा। लुक एट दिस लहंगा, इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिलेगा, एंड प्रॉपर इसमें पूरा जरी का काम किया गया है। जो फैब्रिक इसमें यूज किया है वो है जॉर्जेट, लाइट वेट है, एंड इसका बॉर्डर है ना वो काफी ज्यादा हैवी है। पूरे पे आप देख सकते हो ना, पूरा जरी का गोल्डन थ्रेड से काम किया हुआ है। मुझे क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगी, प्लस वर्क भी आप देख सकते हो कितना प्रीटी है एंड नीटली है। जब आप इसे स्टिच कराओगे लुक काफी अच्छा आएगा। तो इसकी वेस्ट है up to 42 से up to 44, प्लस अंदर की साइड आपको प्रॉपर साटिन की लाइनिंग इसमें अटैच देखने को मिल जाएगी। कैन इसमें नहीं दी हुई है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आप इससे स्टाइल करना कैन के साथ, कैन स्कर्ट के साथ, उसी से इसका लुक आएगा। एंड अगर आप चाहो तो इसमें भी कैन अटैच करा सकते हो। तो ये लहंगा काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड परफेक्ट है किसी भी वेडिंग वगैरह के अकॉर्डिंग। कलर भी मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लगा, एंड इसमें इस तरीके का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके के ब्लाउज के दो फैब्रिक इसमें दिए हुए हैं, थ्री फैब्रिक इसमें दिए हुए हैं। ये फ्रंट के लिए इन्होंने दिया हुआ है, फुल जरी का फैब्रिक है एंड सेम जॉर्जेट फैब्रिक है। फुल हैवी स्लीव्स आप इससे स्टिच करा सकते हो जैसा पिक्चर में दिया है, प्लस बैक के लिए इन्होंने बिल्कुल प्लेन फैब्रिक दिया है। तो टोटल मिला के फैब्रिक 90 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अगर आप एक्सेल डबल एक्सेल साइज में भी हो तो भी आपकी इजीली आ जाएगा। जिस तरीके के आपको इसमें लाइनिंग के लिए भी फैब्रिक दिया हुआ है, तो ये है टोटल फैब्रिक। अब मैं आपको बताती हूँ इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा काफी हैवी आपको देखने को मिलने वाला है, एंड पूरा जाल वाला दुपट्टा है। लाइक आप देख सकते हो ना, पूरे दुपट्टे पे आपको जरी का वर्क देखने को मिल जाएगा। 2.25 मीटर का दुपट्टा है, एंड इस तरीके की इसमें लेस है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। पूरी जरी की ही लेस मिल जाएगी, कट वर्क का काम देखने को मिल जाएगा, एंड 2.25 मीटर का दुपट्टा है। काफी ज्यादा लाइट वेट है और ये वर्क है ना काफी एलिगेंट लग रहा है। तो आप इस दुपट्टे को स्टाइल कर सकते हो जैसे भी आप करना चाहो। तो ये है जो नेक्स्ट लहंगा मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी, एंड उसको पिक करने का रीजन था उसकी जो जैकेट थी, एंड मैं देखना चाहती थी यार कैसी आती है। काफी सारे सेलर्स के पास अवेलेबल थी वो वाली साड़ी, तो सबसे अच्छी जिसकी रेटिंग थी मैंने सर्च करके वहीं से पिक किया। साड़ी काफी अच्छी निकली है, लेकिन यार मैंने इस साड़ी को पिक किया था ओनली और जैकेट के लिए, क्योंकि जैकेट का लुक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, एंड मैं सोच रही थी यार वैसा की वैसी जैकेट मिल जाएगी, पर कुछ इस तरीके का इन्होंने तो जैकेट के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, तो यार वैसी जैकेट कैसे स्टिच होगी आई डोंट नो। पर इन्होंने 2 मीटर के आसपास जैकेट के लिए फैब्रिक दिया हुआ है, सिल्क का फैब्रिक है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ओनली फैब्रिक दिया हुआ है तो मैं बिल्कुल भी मुझे मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग भी वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि पूरी साड़ी का लुक ही जैकेट से है और जैकेट नहीं दे रहे, ओनली इन्होंने ये फैब्रिक दिया हुआ है। तो ठीक है, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। तो इस तरीके की आपको साड़ी देखने को मिल जाएगी। साड़ी खूबसूरत है जैसे कि जैसी दी हुई है पिक्चर में, काफी ज्यादा प्रिटी है, कलर बहुत ज्यादा अच्छा है, ये आपको पिंक कलर में देखने को मिल जाएगी, एंड पिंक का शेड है ये वाला, और पूरे पे आपको जरी का वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि है ना सिल्वर वाले जरी का वर्क किया हुआ है। ये इसका बॉर्डर है, एंड पूरी साड़ी काफी ज्यादा हैवी है। इस प्लस यहाँ पे जब आप ड्रैप करते हो तो बस ऊपर वाला पार्ट इन्होंने प्लेन दिया है, क्योंकि आप इजीली उसे ड्रैप कर सको एंड आपके चुभे नहीं। ओनली नीचे वाले पार्ट में आपको इसमें वर्क देखने को मिल जाएगा। वर्क की क्वालिटी काफी अच्छी है, साड़ी की क्वालिटी काफी अच्छी है, पूरी 5.5 मीटर की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। पर यार मैंने सोचा था जैकेट आएगी तो बहुत ज्यादा लुक इनहेंस हो जाएगा जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, लेकिन जैकेट तो नहीं आई है। एंड ब्लाउज के लिए भी फैब्रिक आपको इसी जैकेट के फैब्रिक में से ही ब्लाउज आप स्टिच कराना चाहो इसी में से करा सकते हो, क्योंकि फैब्रिक इन्होंने 2 या 3 मीटर के आसपास फैब्रिक दिया हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जैकेट स्टिच करा सकते हो तो आप डेफिनेटली इस साड़ी को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो भी है एक लहंगा, और ये बहुत प्रिटी लहंगा है। इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, येलो एंड ग्रीन, और येलो वाला परफेक्ट है हल्दी के लिए, ग्रीन वाला परफेक्ट है मेहंदी के लिए। तो मैंने येलो कलर पिक किया क्योंकि मुझे येलो कलर में
जो सारे कलर्स है ना वो काफी ज्यादा इस लहंगे को इनहेंस कर रहे थे। तो अगर आप चाहें तो आप ग्रीन कलर भी पिक कर सकते हैं, पर ये लहंगा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है एंड मल्टी कलर में आपको ये वाला लहंगा मिलेगा एंड जब आप इसे स्टिच कराएंगे एंड पहनेंगे लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये पूरा लहंगा बैंगलोरी सिल्क फैब्रिक में है एंड पूरे पे आपको एम्ब्रॉयडरी एंड जरी का काम देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस ना, बहुत ज्यादा सुंदर है, जैसा पिक्चर में बताया था एज इट इज कलरफुल है एंड बहुत सुंदर है। सेम ही स्टिच है ये वाला लहंगा और अंदर की साइड प्रॉपर आपको साटिन की लाइनिंग वगैरह अटैच देखने को मिल जाएगी। इसमें भी आपको कैंकन नहीं मिल रही है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो या तो आप इसमें कैंकन अटैच करवाइए या फिर आप कैंकन स्कर्ट के साथ इसे पहन सकते हैं। तेल लगवाने के बाद एंड फुल स्टिच कराने के बाद लुक काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि पूरा कलरफुल लहंगा है एंड कुछ इस तरीके का आपको ये वाला लहंगा देखने को मिल जाएगा एंड काफी ज्यादा लाइट वेट है। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी प्लस जरी का जो वर्क किया हुआ है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा नीटली है एंड बहुत सुंदर लगेगी जब आप इसे स्टिच करा के पहनोगे। एंड ब्लाउज भी बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, ब्लाउज के लिए दो फैब्रिक दिए हुए हैं सेम बैंगलोरी सिल्क के। बैक बिल्कुल प्लेन देखने को मिल जाएगा, प्लस फ्रंट के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके का फैब्रिक दिया हुआ है जिसमें फुल एम्ब्रॉयडरी का काम किया हुआ है जैसा लहंगे में किया हुआ है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और ये स्लीव्स के लिए इन्होंने दी हुई है, तो हैवी स्लीव्स इससे इजीली स्टिच हो जाएगी, प्लस ब्लाउज स्टिच कराने के बाद बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। और ब्लाउज का फैब्रिक है 90 सेंटीमीटर के आसपास, तो अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में भी है तो भी आपके इजीली आ जाएगा। दुपट्टा इन्होंने कुछ इस कलर का इसमें दिया हुआ है, नेट का दुपट्टा, ये है रामा ग्रीन कलर में एंड बहुत सुंदर है येलो के साथ। इस कलर के दुपट्टे का कॉम्बिनेशन, जो ब्लाउज है काफी हैवी है, लहंगा काफी हैवी है, प्लस दुपट्टा बिल्कुल लाइट वेट है, बस ओनली आपको एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी चारों तरफ वो ही कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। तो पूरा 2.25 मीटर का दुपट्टा है एंड लगाने के बाद स्टाइल करने के बाद लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा, प्लस क्वालिटी काफी अच्छी है दुपट्टे की, सॉफ्ट नेट इसमें यूज किया हुआ है। तो ये है जो नेक्स्ट लहंगा मैंने पिक किया है। अब आते हैं थोड़ा वेस्टर्न वेयर की तरफ, क्योंकि कुछ मैंने वेस्टर्न वेयर भी पिक किए हैं आपकी डिमांड पे और बहुत सारे वेस्टर्न वेयर के कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है प्लस अफोर्डेबल प्राइस में है, मे बी अंडर 500 है, चाहे वो वन पीस हो, जीन्स हो, ट्राउजर हो या फिर टॉप्स हो, क्रॉप टॉप हो, मैंने सभी कुछ मिक्स में देखी एंड क्वालिटी अच्छी लगी, तो मैंने उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोड दे दूंगी, तो आप उन कोड्स को जाके भी चेकआउट करना। इस तरीके का आपको रियॉन फैब्रिक में बहुत ही क्यूट सा क्रॉप टॉप देखने को मिलेगा, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है, साइड में से आप इसे दोनों साइड टाइप कर सकते हैं, लुक काफी ज्यादा अच्छा आएगा जो आपको प्रॉपर साइड में क्लियर हो जाएगा एंड कंफर्टेबल है यार, उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है प्लस अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये स्टिकर पैचेस लगाए हुए हैं, प्लस यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और ये वाला मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मेरा मीडियम, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के पिक कर सकते हैं, इन सभी के कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर से ट्राई करना। अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ट्रेंडी है, स्टाइलिश है एंड क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडी इस तरीके का प्लाजो वाला बॉटम वियर एंड ये काफी ज्यादा ट्रेंडी है एंड स्टाइलिश है, अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है एंड कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगा जिससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, फैब्रिक की क्वालिटी काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड जो फैब्रिक है ना वो डेनिम फैब्रिक है इसमें एंड कलर ऑप्शन इसमें आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना, लेकिन मुझे ये वाला लाइट कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड बहुत सुंदर लगता है यार इस तरीके के प्लाजो टाइप जो है, इन्हें आप क्रॉप टॉप वगैरह के साथ या फिर किसी के भी साथ स्टाइल कर सकते हैं, जैकेट्स वगैरह के साथ काफी अच्छा लुक आता है एंड अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है मीशो में, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है एंड बॉटम कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल जाएगा एंड लुक एट दिस ना, काफी ज्यादा स्टाइलिश है, फुल लुक आपको साइड में क्लियर होगा, फैब्रिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है एंड पहनने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा वर्थ इट लगे एंड रियली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक की है वो है एक जैकेट एंड यार मुझे अफोर्डेबल प्राइस के अकॉर्डिंग ये वाली जैकेट काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लाइक ना अगर आप क्रॉप टॉप वगैरह के साथ पहनते हो, अंदर चाहे आप सैंडो डालो और जैकेट डालो ऊपर, काफी अच्छा लुक आ जाता है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, क्योंकि अभी सब कुछ स्टार्ट हो गया है एंड स्टाइलिश लुक के लिए बेस्ट है एंड काफी ज्यादा एलिगेंट है। इसमें आपको कलर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट करना। और सबसे अच्छी बात है इतनी कम प्राइस में होने के बाद भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, फैब्रिक है ना डेनिम फैब्रिक ही इसमें यूज किया हुआ है एंड मैंने इसमें ये वाला कलर पिक किया है जो कि मुझे काफी ज्यादा यूनिक भी लग रहा था
एंड मुझे सैंडी कॉलर वाली जैकेट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको बटन्स दिए हुए हैं जो कि फंक्शनेबल हैं। बटन्स की क्वालिटी आप देख सकते हो, जैकेट की क्वालिटी देखो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी पहनने के बाद। है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है और साइज़ है मेरा इसमें मीडियम। इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के पिक करना। एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की एंड मैंने ट्राई किया अच्छे अच्छे आउटफिट आपके साथ शेयर करूँ। आगे आपको बहुत सारे तीस से रिलेटेड भी एंड बहुत सारे वेस्टर्न वियर या फिर एथनिक वियर, वो सभी के हॉल मिलने वाले हैं मीशो से एंड बहुत सारी वेबसाइट से भी मैंने लहंगे ऑर्डर किए हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब करो विद बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप रीसेलिंग की वीडियो भी टाइम से देख पाओ। एंड और कुछ देखना चाहते हो मीशो से कॉमेंट करके बता सकते हो, अगर मुझे पसंद आएगा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर watching।